तो क्या आप भी यूरोप में आके नोट छापना चाहते हैं? बहुत आसानी से यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाए, ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, चाहते हैं कि आपको आसानी से यहाँ पर जॉब मिल जाए आपको। तो अगर आप यूरोप मूव होना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए, कौन सी कंट्री अच्छी है, क्योंकि यूरोप में तो भाई बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो जरूर करके देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी नीति यूरोप, और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि यूरोप की कौन कौन सी कंट्रियों का क्या क्या खासियत है, कौन सी कंट्री कौन सी चीज़ के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर अगर आप मूव होना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको जॉब ऑफर आया हुआ है तो आप दो तीन कंट्रियों में कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी कंट्री आपको मूव होना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंट्री में आपको मूव होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आपके केवल नोट छापना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर ऐसी हैं जो बहुत पैसे देती हैं। साथ ही साथ अगर आप लो स्किल सेट वर्कर हैं और यूरोप में आके जॉब करना चाहते हैं, आपका स्किल सेट बहुत हाई नहीं है और आप यूरोप मूव होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आगे मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी कंट्रियाँ ऐसी हैं यहाँ पर जो लो स्किल सेट वर्कर को ले लेती हैं जॉब के लिए आसानी से, और अगर आप यहाँ पर आके परमानेंट रहना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी कंट्रियाँ यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप इजी सिटीजनशिप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है और बहुत कम समय में और जल्दी आपको वीज़ा प्रोसेस आपका हो जाए, साथ ही साथ आपको इजी सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आगे जो मैं 5 कंट्रीज़ आपको बताने वाली हूँ, ये यूरोप में रहने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब रहने के लिए काफ़ी अच्छा है यूरोप। अगर आप आ रहे हैं और रहना बस चाहते हैं आराम से यहाँ पर आके, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते, तो ये 5 कंट्रियों में से आप एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 5 में आता है पोर्चुगल। पोर्चुगल रहने के लिए एक अच्छी कंट्री है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे, यहाँ पे गुड सोशल लाइफ है, साथ ही साथ यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे पोर्चुगल में अगर आप रहते हैं तो कि ये अफोर्डेबल है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे अपना खर्चा उठा सकते हैं। और सैलरी के मामले में मैं ये कहूँगी पोर्चुगल की सैलरी यहाँ पर ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक सैलरी यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पे आप रह सकते हैं आके। और यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो पोर्चुगीज़ है, साथ में यहाँ पे इंग्लिश भी चलता है, यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी थोड़ा ईजी है। नंबर 4 में जो कंट्री आती है वो है स्पेन। स्पेन का जो हेल्थ केयर सिस्टम है काफ़ी अफोर्डेबल है, साथ ही साथ जो यहाँ के घर है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है। हाउसिंग जो है बहुत ज़्यादा महंगा है रहना यहाँ पे, ऐसा नहीं है जैसे कि अगर मैं वियना की बात करूँगी तो वियना में थोड़े घर एक्सपेंसिव है रहने के लिए, पर स्पेन में ऐसा नहीं है, स्पेन में जो हाउसिंग है वो अफोर्डेबल है। साथ ही साथ यहाँ का वीज़ा प्रोसेस भी थोड़ा ईजी है, और यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, इंग्लिश भी साथ में चलता है पर थोड़ा कम चलता है। और यहाँ की जो सिटी है बार्सिलोना वो बहुत फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फैशन हब के नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में मुंबई है बहुत फेमस है मुंबई, उसी तरीके से बार्सिलोना है, काफ़ी फेमस सिटी है बार्सिलोना जो है स्पेन में, तो ये भी रहने के लिए एक अच्छी कंट्री है। अब तीसरे नंबर पे जो कंट्री आती है वो है जर्मनी। जर्मनी तो बहुत फेमस है पूरे यूरोप में, जर्मनी का कल्चर जो है बहुत रिच कल्चर है, साथ ही साथ यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, सोशल लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है। जर्मनी को ना यूरोप का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग का सेंटर है जर्मनी जो है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पर आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जर्मनी देख सकते हैं। जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, बहुत फेमस है जर्मनी पढ़ाई के लिए, तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पर आके बैचलर करना चाहते हैं या फिर मास्टर करना चाहते हैं तो आप जर्मनी आ सकते हैं। जर्मनी इस चीज़ के लिए पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, वीज़ा प्रोसेस भी जर्मनी में काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साथ ही साथ यूरोप के बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बर्लिन और म्यूनिक में बेस्ड है। साथ ही साथ जर्मनी की मेन खासियत ये है कि आपको अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे, इंडियंस बहुत सारे हैं जर्मनी में, तो अगर आप इंडियन कम्युनिटी चाहते हैं और पर्टिकुलर इंडियन लोगों के बीच ही रहना चाहते हैं तो जर्मनी भी आके रह सकते हैं, जर्मनी में बहुत सारे इंडियन आपको मिलेंगे। जर्मनी में भी गुड हेल्थ केयर है, गुड सोशल लाइफ है, साथ ही साथ इसका जो मेन लैंग्वेज है वो जर्मन है, लेकिन इंग्लिश भी यहाँ पे अच्छा खासा चलता है जर्मनी में। दूसरे नंबर पे है स्वीडन। स्वीडन भी काफ़ी अच्छी कंट्री है अगर आप यहाँ पर आके रहना चाहते हैं तो, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्वीडन में वेरी गुड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ है, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी और पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा रहने के लिए यहाँ पर स्वीडन में। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम फ्री मिलेगा आपको स्वीडन में, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि यहाँ पर टैक्स बहुत हाई है,
स्वीडन में रहने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट टैक्सेस बहुत हाई है। साथ ही साथ इसका जो विंटर होता है, जो यहाँ पर वेदर जो है वो इसका डाउन साइड है कि हार्श होता है। यहाँ का जो विंटर है काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं मिडिल यूरोप की बात करूँ तो उतनी ठंड पड़ती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। बट स्वीडन टाइम आप नॉर्डिक तरफ चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पर स्वीडन को भी बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है रहने के लिए। अब आ जाते हैं कि नंबर वन कंट्री कौन सा है पूरे यूरोप में रहने के लिए, किसे सबसे अच्छा माना जाता है। तो नंबर वन कंट्री तो भाई ऑस्ट्रिया है, जहाँ मैं खुद रहती हूँ। ऑस्ट्रिया जो है सेंट्रल यूरोप में आता है जो कंट्री है, और काफ़ी बैलेंस्ड कंट्री है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया में आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत बैलेंस मिलेगा, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा है बहुत कुछ कम, ऐसा नहीं, सब कुछ आपको बहुत परफेक्ट मिलेगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया में। इसलिए ऑस्ट्रिया को बहुत अच्छी कंट्री माना जाता है रहने के लिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट फिर भी ऑस्ट्रिया की बहुत सारी खासियत है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि ऑस्ट्रिया को क्यों बहुत अच्छी कंट्री माना जाता है रहने के लिए। ऑस्ट्रिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे यूरोप में नंबर वन माना जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल आकहा, वो पूरे यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में से एक माना जाता है। तो ऑस्ट्रिया का हेल्थ केयर सिस्टम नंबर वन है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ ऑस्ट्रिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया में सोशल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया में सैलरी भी अच्छी है, एक्सट्रीम हाई नहीं है ना लो है, काफी अच्छी सैलरी कहोगे आप, बैलेंस सैलरी कहोगे, तो ऑस्ट्रिया में भी सैलरी अच्छी है। ऑस्ट्रिया में फैमिली के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयर करती है, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि बच्चों के लिए चाइल्ड केयर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का वेदर है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है, मतलब है जैसे सिटी वगैरह है वहाँ पर ठीक ठाक ठंड पड़ती है, जैसे कि पूरे टाइम बहुत मोटी मोटी बर्फ जमी पड़ी है ऐसा नहीं है। अगर आप मेन सिटी वियना को देखेंगे तो ठंड पड़ती है और अच्छी लंबी ठंड पड़ती है लंबे समय तक, पर जैसे कि बहुत एक्सट्रीम नॉर्डिक तरफ जो ठंड पड़ती है ना, बहुत -20, -30 तक जा रहा है, ये ऐसा वेदर यहाँ पर नहीं रहता है, खासकर रहने वाली जगह में। थोड़े आप एकदम पहाड़ी वाली जगह में जाएंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर जहाँ पे लोग रहते हैं सिटी वगैरह है वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ रहा है ऐसा नहीं है ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया का जो वेदर है ना वो भी काफ़ी परफेक्ट है रहने के लिए मेरे ख्याल से। साथ ही यहाँ जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, वो पिछले 10-12 सालों से नंबर वन सिटी बना हुआ है रहने के लिए, फॉर लिविंग। वियना को बार बार अवार्ड मिलते जा रहा है कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको अवार्ड मिलते जा रहा है बार बार वियना को कि रहने के लिए नंबर वन सिटी है वियना जो है। साथ ही ऑस्ट्रिया का मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन, इंग्लिश भी यहाँ पे चलता है। तो ऑस्ट्रिया जो है काफ़ी अच्छी कंट्री है अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ पर आके तो। जर्मनी भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रिया काफ़ी अच्छी कंट्री है अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो। साथ ही अगर आप यूरोप में आके बस पैसे कमाना चाहते हैं, यहाँ पर आके आप बस नोट छापना चाहते हैं और देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो बहुत पैसे देती है, तो आगे जो मैं कंट्रियाँ आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर आके आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छी खासी इनकम होने वाली है। अगर आप ये चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करता कि वेदर कैसा है, सोशल लाइफ कैसा है, ये सब आपके लिए मायने नहीं रख सकता, तो आप ये कंट्रियों में मूव हो सकते हैं बस पैसे कमाने के लिए। तो नंबर सिक्स में आ जाता है आइसलैंड। आइसलैंड में आपको सैलरी बहुत हाई मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है आइसलैंड में अगर आप रहते हैं तो। लेकिन इसका डाउन साइड ये है, डिसएडवांटेज अगर आप आइसलैंड में रहते हैं तो, कि यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। साथ ही साथ यहाँ का जो वेदर है बहुत हार्श है, इतना ख़तरनाक वेदर पड़ता है कि बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे आइसलैंड में, कुछ घंटों के लिए ही सुबह होती है समटाइम, बाकी पूरे समय यहाँ पे रात होती है। तो अगर आपको ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। हाँ, लेकिन टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, बट फिर भी आप सेविंग कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप रहते हैं तो। यहाँ पे सोशल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि जनसंख्या भी थोड़ी कम है उस तरफ। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नंबर फाइव में आता है नॉर्वे, जो कि सब नॉर्डिक साइड की कंट्रियां हैं ये, आइसलैंड और नॉर्वे। तो नॉर्वे में भी सेम आइसलैंड वाली बात है कि यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी है, डाउन साइड ये है इसका, डिसएडवांटेज कि यहाँ पे टैक्स बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, और वेदर तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है यहाँ पे नॉर्वे और आइसलैंड में, और सोशल लाइफ भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब इसके डाउन साइड है, लेकिन सैलरी यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। चौथे नंबर में आता है डेनमार्क। डेनमार्क में भी सैलरी आपको हाई मिलेगी, और डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन, इसको वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, बट इसका डाउन साइड ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है डेनमार्क जो है। थर्ड नंबर में आता है नीदरलैंड।
नीदरलैंड में भी सैलरी अच्छी खासी है। साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश अच्छा खासा चलता है, मतलब डच लैंग्वेज भी वहाँ पे चलता है, लेकिन जो इंग्लिश है वो भी वहाँ पे लोग बहुत बोलते हैं। जैसे कि आप डच में बात कर नहीं पा रहे हैं तो तुरंत ही लोग इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा है, लोग आसानी से तुरंत ही अपना डच लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में भी सैलरी अच्छी खासी है, तो अगर आप चाहते हैं मूव होना और आपको ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए तो आप नीदरलैंड मूव हो सकते हैं। सेकेंड नंबर में जो कंट्री आती है जहाँ पर सैलरी बहुत हाई है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक सिटी है जो अपने आप में ही एक कंट्री है, और यहाँ पे की जो एवरेज सैलरी है वो 2500 to 8000 यूरो तक आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे भी सैलरी काफ़ी हाई है लग्जमबर्ग में, जो अपने आप में एक सिटी है और कंट्री भी है। अब आ जाते हैं कि टॉप नंबर वन में कौन सी कंट्री है जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं कौन सी कंट्री का नाम लेने वाली हूँ जहाँ पे पूरी दुनिया के अमीरों का पैसा है, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में सैलरी बहुत हाई है, पूरे स्विट्ज़रलैंड में सैलरी हाई है, पर यहाँ का जो सिटी है ज्यूरिख और जिनीवा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाई है। स्विट्ज़रलैंड में ना जैसे कि जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, वॉचेस हैं, बैग है, और इंश्योरेंस कंपनीज है, फार्मा कंपनी है, बुक्स के कंपनीज हैं, इन सब के जो ऑफिस हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में ना आपको हर जगह बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो स्विट्ज़रलैंड में अगर आपको आने का मौका मिल रहा है, आपको जॉब ऑफर आया है, तो फटाफट बिल्कुल आइए। और आप तो जानते ही हैं कि स्विट्ज़रलैंड में सैलरी तो है ही, और मतलब इंडियन लोगों के बीच में हमारा जो स्विट्ज़रलैंड है कितना पॉपुलर है, खूबसूरती के नाम से बहुत पॉपुलर है स्विट्ज़रलैंड। मतलब हर भारतीय के दिल में एक बार तो होता है कि हम एक बार स्विट्ज़रलैंड तो जाएंगे। तो अगर आपको मौका मिल रहा है आने का तो बिल्कुल मत छोड़िए स्विट्ज़रलैंड आना, आइए यहाँ पर रहिए, घूमिए, इंजॉय करिए और खूब नोट छापिए यहाँ पर आके। साथ ही साथ अगर आप इजी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो जो ये कंट्रियाँ मैं बता रही हूँ आगे, इन कंट्रियों को आप देख सकते हैं मूव होने के लिए। यहाँ पर आपको आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगा, जिनमें से पहले नंबर में है पोर्चुगल, स्पेन, माल्टा और हंगरी। और अगर आप लो स्किल सेट वर्कर हैं और आप यूरोप आके जॉब करना चाहते हैं, आपका स्किल सेट बहुत हाई नहीं है, तो जो आगे मैं कंट्रियां बता रही हूँ इनको आप देख सकते हैं। अगर आपका स्किल सेट बहुत हाई नहीं है तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है, जैसे कि पोर्चुगल, स्पेन, इटली और माल्टा। तो इन कंट्रियों में आप चेक कर सकते हैं, आपको जॉब यहाँ पर मिल सकता है। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।